डॉक्टर डे के उपलक्ष्य में करनाल के कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज के सभागार में कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें हरियाणा सरकार में राज्य मंत्री करणदेव कांबोज ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। इस मौके पर उन्होंने कहा कि हरियाणा सरकार द्वारा स्वास्थ्य के क्षेत्र में बेहतरीन कार्य किए गए हैं, जिसके चलते करनाल के कुटेल में मेडिकल यूनिवर्सिटी बनाई जा रही है। वहीं पंचकुला में आयोजित राज्य स्तरीय समारोह में हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कहा कि डॉक्टर्स डे के अवसर पर अपने कार्य क्षेत्र में बेहतरीन कार्य करने वाले 44 डॉक्टरों को हर वर्ष सम्मानित किया जाएगा। उन्होंने कहा मेडिकल कॉलेज में और सीटें बढ़ाई जाएंगी। इस मौके पर उन्होंने डॉक्टरों से आह्वान किया कि वह गरीब लोगों की चिकित्सा में प्राथमिकता दे, ताकि गरीब लोग इसका फायदा उठा सके। साथ ही उन्होंने डॉक्टर से ये भी आह्वान किया कि डॉक्टर्स डे के अगले दिन पूरे प्रदेश में डॉक्टर्स अपनी एक दिन के लिए ओपीडी फ्री रखें, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग चिकित्सा सुविधा का फायदा उठा सकें। इस मौके पर करणदेव कांबोज ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा गरीब लोगों के सहायतार्थ चलाई जा रही आयुष्मान भारत योजना को बेहतरीन बताया, क्योंकि इस योजना के अंतर्गत बीपीएल परिवार 5 लाख तक की चिकित्सा सुविधाएं प्राप्त कर सकते हैं। एक बहुत अच्छी शुरुआत यह की गई है। 1991 में पहली बार डॉक्टर्स डे मनाया गया था, और ये पहली बार सरकारी तौर पर जनों पहली बार मनाया गया। इसमें कई प्रकार की गोष्ठियाँ, कई प्रकार के और कार्यक्रम, जिससे जो है ना मोटिवेशन मिले और डॉक्टर्स के अंदर और ज़्यादा भावना हो सेवा करने, तो इस प्रकार के कार्यक्रम आयोजित किए गए। और ऐसे बहुत से डॉक्टर्स को जिन्होंने अपने क्षेत्र में अच्छे काम किया है, अच्छी सेवाएं दी हैं, उनको आज सम्मानित करने का काम भी किया। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने आज घोषणा की है कि सभी जिलों में 2 ऐसे डॉक्टर्स को जो है ना, एक प्राइवेट हॉस्पिटल से और एक सरकारी हॉस्पिटल से, उनको हर साल जो है ना इस शुभ उपलक्ष्य पर जो है ना सम्मानित किया जाएगा। तो इससे जो है ना डॉक्टर्स के अंदर एक भावना, एक स्पिरिट और बनेगी कि मैं भी अच्छा काम करूं, मुझे भी इस प्रकार का जो सम्मान मिलना चाहिए। तो इससे एक बहुत बड़ा जो है ना एक शुरुआत हरियाणा के अंदर।